तो हाय गाइस, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं सुरेश एडिटिंग जोन चैनल। तो गाइस, इस बैकग्राउंड को मैं शेयर कर लेता हूँ पिक्सआर्ट ऐप में। तो गाइस, हमारा बैकग्राउंड पिक्सआर्ट ऐप में ओपन हो चुका है। तो यहाँ से हम जाएंगे ड्रॉ टूल में और यहाँ से हम अपने मॉडल को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसमें जाऊँगा ऐड फोटो में और यहाँ से फोटो में और अपने मॉडल को मैं ऐड करूँगा, ठीक है। गाइस, हमारा मॉडल ऐड हो चुका है। तो गाइस, मैंने मॉडल का बैकग्राउंड को पहले से ही रिस करके रखा हुआ है। अगर बैकग्राउंड रिस करना नहीं आता तो उस वीडियो के लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से कुछ इतना एंड यहाँ से इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ तो इतना ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ एंड फिर से इसे हम जाना होगा इस लेयर वाले पैनल में और इस प्लस पर हमें टैप करें और एक गेम लेयर क्रिएट कर लेना है और फिर से इसे हमें ऐड पर क्लिक करना है और एक पीएनजी को हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। तो वैसे हमारा पीएनजी ऐड हो गया है तो यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से इसको इतना रखूँगा एंड यहाँ से इसको किनारे से खींच कर बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद जैसे हम फिर से एक एम टी लेयर क्रिएट कर ले रहे हैं यहाँ से और इस लेयर को मैं मॉडल के नीचे लेकर आऊँगा, ठीक है, कुछ इतना। और गैस फिर से मैं ऐड फोटो में क्लिक करूँगा और एक पीएनजी लाइट ऐड करूँगा, ठीक है। तो गैस, हमारा पीएनजी लाइट ऐड हो चुका है तो यहाँ से इसको मैं डन करूँगा, ठीक है, और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इतना। एंड गैस, इसके ब्लेंडिंग मोड को मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से तो इसको मैं स्क्रीन में रख लूँगा, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ठीक रहेगा। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करके कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद गाइस हमें जाना होगा इस लेयर वाले पैनल में और यहाँ से इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ गाइस। तो मर्ज करने के लिए हमें जाना होगा इस थ्री डॉट में और यहाँ से इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो हमने पीएनजी ऐड किया है मॉडल, उसको हम मर्ज कर लेंगे एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ। और गाइस, इस पिक को सेव करने के लिए हमें जाना होगा इस थ्री डॉट में और यहाँ पर लिखा है सेव इमेज, तो सेव इमेज कर लेता हूँ। गाइस, मैंने लाइटरूम ऐप को ओपन कर लिया एंड यहाँ से कैसे हम जाएंगे ऐड फोटो में और अपने मॉडल को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा ऑल फोटोज में। गाइस, हमारा मॉडल इंपोर्ट हो चुका है तो यहाँ से इसको मैं ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले जाना होगा इस ऑटो वाले टूल में, तो यहाँ से इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ से कैसे मैं जाऊँगा कलर वाले टूल में और मिक्स टूल। और गाइस, मिक्स टूल में आ जाने के बाद इसमें सैचुरेशन को थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ कुछ इतना ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। एंड यहाँ से कैसे मैं जाऊँगा इस कलर में, ठीक है, और इसमें लिमिट्स को प्लस कर लूँगा कुछ इतना, ठीक है, तो थोड़ा सा इतना। एंड सैचुरेशन को लूँगा थोड़ा सा माइनस। उसके बाद गाइस, हमें जाना होगा येलो कलर में और इसमें सैचुरेशन को फुल माइनस कर लेना है। उसके बाद गाइस, हमें जाना होगा ग्रीन कलर में और इसमें भी हमें सैचुरेशन को माइनस कर लेना है। एंड गाइस, हमें जाना होगा एक्वा कलर में और इसमें हमें बढ़ा लेना है सैचुरेशन को, सॉरी ये को बढ़ा लेना है एंड सैचुरेशन को भी लिमिट्स को थोड़ा सा। एंड यहाँ से गाइस, मैं जाऊँगा ब्लू कलर में और इसमें भी मैं बढ़ा लूँगा सैचुरेशन को, ठीक है, एलिमेंट्स को थोड़ा सा एंड यू करूँगा थोड़ा सा माइनस। एंड गाइस, यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं जाऊँगा इफेक्ट वाले टूल में और डीएच को कर लूँगा प्लस थोड़ा सा एंड वेगन को करूँगा थोड़ा सा माइनस कुछ इतना एंड क्लियरिटी को भी थोड़ा सा करूँगा प्लस एंड टेक्स्चर को भी एंड वेगन को थोड़ा सा और माइनस एंड मिड पॉइंट को भी एंड फैदर को मैं प्लस कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इतना। एंड यहाँ से इसमें जाऊँगा इस ट्राइंगल वाले आइकन में और शार्पनिंग को बढ़ा लूँगा कुछ इतना एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, काफ़ी अच्छा एडिट हुआ है हमारा पिक। तो गाइस, इस पिक को सेव करने के लिए हमें जाना होगा इस शेयर बटन में और यहाँ पर लिखा है सेव प्रोडक्ट, तो सेव प्रोडक्ट कर लेता हूँ। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पर।